नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे फ्रॉड, ऐसी धोखाधड़ी से अवगत करवाने जा रहे हैं जिसके अगले शिकार आप भी हो सकते हैं। जहां डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो पेमेंट्स हैं वो कैशलेस हों, उसमें काफी सारे ऐसे फ्रॉड, ठगी करने वाले लोग आ चुके हैं जिनका केवल और केवल एक ही काम है, आपको लूटना, आपसे उनकी सारी प्रोडक्ट्स या सर्विसेस फ्री में हासिल करना। जिस शख्स की आप शक्ल अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज इसने इसी प्रकार की एक धोखाधड़ी करने की एक दुकानदार के साथ कोशिश की है। मैं आपको दिखाने चाहूँगा, ये ट्रांजेक्शन 27,300 रुपये का हुआ है, जिसमें यह धोखाधड़ी करने वाले ठग ने बड़ी आसानी से 27,300 रुपये का अमाउंट, जिसको ट्रांसफर करना है मर्चेंट को, ये पेमेंट उसका नाम, गौर से अगर आप देखेंगे तो ट्रांजेक्शन डेट और ट्रांजेक्शन टाइम भी उन्होंने परफेक्टली मैच कर लिया है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ट्रांजेक्शन डेट और टाइम के नीचे देखेंगे तो ट्रांजेक्शन आईडी भी जनरेट करा है। इसी के साथ साथ मैं दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो राइट टिक मार्क बन के आ रहा था उसमें भी ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड सर्कल था वो रिवॉल्व हो रहा है। दोस्तों जागरूक जनता बनिए, जब भी आप पेमेंट ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से वेरीफाई करें, यह ज़रूर वेरीफाई करें कि आपके पास वो पेमेंट रिसीव हुआ है कि नहीं, और जिसने ये पेमेंट ट्रांसफ़र कराया है उसने जेन्युइन ऐप भी यूज़ किया है या नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यह उसने जो मुझे ऐप दिखाया, इसमें ना तो उस पेटीएम का होम बटन एक्सेप्ट हो रहा था, ना पासबुक बटन एक्सेप्ट हो रहा था। और मैं दोस्तों आपको इसकी एक विशेष बात भी बता दूं कि जो कोई भी इस ऐप का यूज करके धोखाधड़ी कर रहे हैं, हमेशा उनका जो अपडेटेड वॉलेट बैलेंस है वो 120 रुपए ही दिखाता है। उसके आगे आप देख पाएंगे लॉगआउट बटन भी रहेगा जो डेफिनेटली इनएक्सेसिबल रहेगा। दोस्तों जागरूक जनता बनिए, इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचिए। आगे इस लड़के के मुंह जुबानी आप सुनिए कि किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो पहले कितनों को बनाया, नाम क्या है आपका? किसी का नहीं है सर। नाम क्या है किसी आपका? को नहीं बनाया। नाम क्या है आपका? कुणाल घोड़ासरा। कुणाल घोड़ासरा पूरा नाम? पिताजी के नाम से बताओ सर। सॉरी सर, जाने दो ना सर। नहीं, पहले किसके पहले कितनों को बनाया है सर? किसी को नहीं बनाया है अभी। क्या पहली कोशिश थी? अभी क्या किया वो बताओ पहले। ये पहली कोशिश थी? पहली कोशिश ही 27,000 की? सॉरी सर। हैं? सॉरी सर, पहली कोशिश ही 27,000 की? सर सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पिताजी का नाम बताओ सर। कुछ नहीं। कहाँ से आयो? अहमदाबाद से सर। कहाँ से आयो? सबको बुला लो वापस। सर अभी जाने दो ना, सॉरी सर। नहीं, नहीं, इसके पहले कितनों को बनाया है? किसी को नहीं बनाया है। एक मिनट, थाने जाओगे? इधर से छोड़ भी दूं शायद। सॉरी सर, अभी राजकोट के हैं और बोल रहे हैं अहमदाबाद से हैं। मालूम पड़ जाएगा अभी। अब वो तो पता ही चल ही जाएगा। वो तो पता चल जाएगा। कितनों को बनाया है? किसी को नहीं बनाया है। कितनों को बनाया है? किसी को नहीं बनाया। अरे तुम मार खा के बताओगे? अरे सर किसी को नहीं बनाया। मैं कह रहा हूँ 100 मीटर दूरी पे है थाना। फोन करो आप, 2 मिनट में आ जाएंगे। बता दो खुद ही कितनों को बनाया है? किसी को नहीं बनाया है। हैं? कितनों को बनाया? किसी को नहीं बनाया। ये पहली कोशिश ही 27,000 की कर ली तुमने। अरे 2-4 हजार की करते, 10-1500 रुपए की करते। नहीं सर। क्या क्या कोशिश क्या की वो बताओ पहले, एक बार पूरी वापस से बताओ। क्या कारनामा अभी कर रहे, क्या गुल खिला रहे थे बताओ? पेटीएम कर रहा था। हाँ, क्या होता है इसमें? हाँ अभी तो बोले ना, स्पूफ मालूम ही नहीं आपको क्या होता है। अच्छा चलो छोड़ो, उस पर भी आते हैं बाद में। पहले बताओ किया क्या? फेक ट्रांसलेशन किया था। क्यों किया? कैमरा खरीदने के लिए। कैमरा खरीद, खुद का औकात नहीं है तुम्हारा तो तुम क्या दूसरों को चूतिया बनाओगे? नहीं सर। हैं? नहीं सर। हैं?